हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रघुवंती घोष कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके विज्ञान से सेक्शन खंड जो दूसरा है आपका बायोलॉजी का, इसमें लेसन वन का पहला भाग आपको पढ़ा रहे हैं, पार्ट वन। इसमें पहला चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम जो क्या है। आगे सामने आपकी परिभाषा लिखी हुई है, वे जीवधारी में होने वाली वे जैविक प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। दूसरे चैप्टर में हम कहेंगे जीवधारियों के शरीर में होने वाली उन सभी जैविक क्रियाओं का संबंधित स्वरूप जो उनकी संरचना को बनाए रखने हेतु आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, सर्जन, प्रजनन, प्रजनन इत्यादि अनेक क्रियाएं होती हैं जिनके लिए शरीर में एक एक विकसित तंत्र अलग से होता है। चैप्टर में अभी आगे आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको परिभाषा समझने की बात है। दूसरा इसमें है, दूसरी हेडिंग पॉइंट है पोषण, न्यूट्रिशन। पहले आप समझिए पोषण क्या है। साधारण भाषा में जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण करके कोशिकाओं की क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण है। यह वह जैविक क्रिया जिसमें भोजन का अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण होता है, पोषण कहलाता है। तो बच्चों, पोषण एक जैविक क्रिया है। इस जैविक क्रिया में ये होने वाली कई क्रियाएं हैं जो पोषण के कई चरण होते हैं। जैसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर इसके बाद भोजन का पाचन होता है, फिर पचे हुए भोजन से शरीर में अवशोषण होता है, अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होता है, यानी पचे हुए भोजन के तत्व कोशिकाओं में जाके विलीन होते हैं, और अंत में भोजन का अपचित भाग जोड़ा जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारे चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण सारे क्रियाएं मिलकर पोषण जैविक क्रिया को पूरा करते हैं। अब प्रत्येक जीवधारी पोषण क्रिया करता है, क्यों करता है? अपने जीवन की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे शरीर के अंदर होने वाली कोई जैविक क्रिया हो या शारीरिक श्रम, उसको करने के लिए पोषण करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति करता है। अब जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या पोषण का उद्देश्य क्या है? नीचे लिखा गया पोषण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशन। पहला पॉइंट इसमें है ऊर्जा की आपूर्ति है, टू सप्लाई ऑफ एनर्जी। शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीवधारी अपने शारीरिक क्रियाओं को, चाहे वह जैविक क्रिया हो चाहे शारीरिक श्रम हो, उसको करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए वह कोई न कोई भोजन करता है जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पहली आवश्यकता यह है ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति हेतु वह दो प्रकार के भोजन करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट बच्चों दो प्रकार का होता है, एक शर्करा और एक मंड। शर्करा को वह मीठे भोज पदार्थों से प्राप्त करता है, और मंड को इसको स्टार्च कहते हैं, वह अनाजों से, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सबसे। इसके अलावा वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा में घी, तेल इत्यादि से प्राप्त होता है, तिलहन वाले फसलों से। दूसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि हो, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो भोज पदार्थ से जीवधारी के शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि के लिए जीव प्रोटीन तथा विटामिन युक्त भोजन प्राप्त करता है। प्रोटीन को मुख्य रूप से वह दालों से प्राप्त करता है, सोयाबीन है जो जिनसे प्रमुख रूप से प्रोटीन मिलता है, इसके अलावा और सारे भोज पदार्थ हैं, और विटामिन को सब्जियों तथा फल से प्राप्त करता है।
तीसरा पॉइंट है शरीर की मरम्मत हेतु, रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। बच्चों शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, तो उसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं डेड हो जाती, मृत हो जाती हैं या टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आपूर्ति वह भोजन से करता है, तो शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन एवं जल होते हैं। प्रोटीन अभी ऊपर आपने देखा कहाँ से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, और अंतिम है पॉइंट रोगों से रक्षा है। शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने की आवश्यकता होती है, यह कार्य भी उसे भोजन से, इसके लिए भी उसे भोजन से ही कुछ तत्व प्राप्त होते हैं, और इससे वह विटामिन और खनिज तत्व से प्राप्त करता है, विटामिन और खनिज तत्व युक्त भोज पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इन सारे ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए जो भोजन पोषण की आवश्यकता के लिए सभी जीवधारी कार्य करते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।